हाय दोस्तों, नमस्ते किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पंचखाद्य मोदक। पंचखाद्य बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, एक टीस्पून खसखस, एक टेबलस्पून सूखा मेवा, 3 टीस्पून घी, 3 टीस्पून मिश्री, 2 टीस्पून गेहूं का आटा, दूध आवश्यकता अनुसार, 6 से 7 छुआरे, 1 कप मैदा, 10 से 12 किशमिश, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 कप सूजी। सबसे पहले हम एक बाउल में सूजी डाल लेते हैं, मैदा डाल लेते हैं। अब हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून या स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं, 2 टीस्पून घी डालेंगे। अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आटे को गूंथ लेंगे। दूध और घी डालने से हमारे मोदक की बाहरी परत खस्ता बनेगी। इसी तरह से हमारा आटा गूंथ कर तैयार हो चुका है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए बाजू में रख देते हैं। अब हम मध्यम आंच पर गैस रखकर उस पर पैन रखेंगे और 1/4 टीस्पून घी डाल लेंगे। अब हम इसमें सूखा नारियल डाल लेते हैं। हम यहाँ पर नारियल को हल्का सा 2 मिनट के लिए धीमे आंच पर भूनकर एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम फिर से पैन में 1/4 टीस्पून घी डालेंगे। अब हम यहाँ पर गेहूं का आटा डाल लेते हैं। हम यहाँ पर आटे को हल्का सा 2 मिनट के लिए भूनकर बाउल में निकाल लेंगे। फिर से हम 1/4 टीस्पून घी डालेंगे। अब हम यहाँ पर किशमिश डालेंगे, सूखा मेवा डालेंगे। अब हम इन सब को भी हल्का सा भूनकर बाउल में निकाल लेंगे। अब हम फिर से पैन में 1/4 टीस्पून घी डालेंगे। अब हम इसमें छुआरे डाल लेते हैं, खसखस डाल लेते हैं। अब हम इन्हें 2 मिनट के लिए भूनकर ठंडा करके मिक्सर के बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसमें मिश्री डाल लेते हैं। अब हम इन्हें दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने ज़्यादा बारीक नहीं किया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने दरदरा पीसा है। अब हम इसमें भुना हुआ नारियल डाल लेते हैं। भुना हुआ आटा डाल लेते हैं। भुना हुआ सूखा मेवा डाल लेते हैं। इलायची पाउडर डाल लेते हैं। अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसी तरह से हमारा मोदक का सारण तैयार हो चुका है। ये देखें, 20 मिनट बाद हमारा आटा अच्छी तरह से भीग चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा गूंथ लेते हैं। अब हम यहाँ पर मोदक बनाने के लिए छोटी सी लुइया तोड़कर उसके पेड़े बना लेंगे। यहाँ पर हमने पेड़े पर थोड़ा सा तेल लगा लिया है। अब हम यहाँ पर पूरी के आकार में इसे बेल लेते हैं। यहाँ पर हमें आटे को ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। ये देखिए, हमारी पूरी बेलकर तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पर पूरी के साइड पे कलियाँ बना लेते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून सारण भर लेंगे।
अब हम इन सब कलियां को एक साथ करते हुए बीच में जोड़ लेंगे और बीच में अच्छी तरह से दबा लेंगे। ये देखे, इसी तरह से हमारा मोदक तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे मोदक बना लेते हैं। अब हम मध्यम आंच पर गैस रखकर उस पर कढ़ाई रखेंगे और तलने के लिए तेल गरम कर लेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें मोदक डाल लेते हैं। हमें यहाँ पर मोदक को हल्का सुनहरा रंग आने तक तल लेना है। दोस्तों, यहाँ पर हमने सारण बनाते वक्त हर चीज़ को अलग अलग भून लिया था, क्योंकि हर चीज़ का भूनने का टाइम अलग होता है। यहाँ पर हमारे मोदक तैयार हो चुके हैं, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मोदक तलने वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि मोदक को आपको मध्यम आँच पर ही तलना है, ताकि वो अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए, यहाँ पर हम एक मोदक को तोड़कर देखते हैं कि वो अंदर से कैसे बने हैं। ऐसी रेसिपी देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए।